नमस्कार, डीडी यूपी देख रहे हैं आप। किड्स जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। दर्शकों, हमारे किड्स प्रोग्राम के जरिए हम हर संडे आपको कुछ ऐसे बच्चों से मिलाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, स्पेशल हैं। और हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप जो हमें टीवी पे देख रहे हैं, अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो उसे पहचानिए और उसे निखारिए, क्योंकि जो टैलेंट है वो निखारने से ही बढ़ता है। अगर आप उसको दबा के रखेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो उसे दबा के नहीं रखना है, उस पर काम करिए, उस पर वर्क करिए, उस पर मेहनत करिए, और फिर देखिए आपकी जो मेहनत है वो आपको कितनी ऊँची सफलता दिलाती है। मेहनत के जरिए ही एक बच्चा हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, जिन्हें छोटा अब्दुल कलाम या फिर छोटा वैज्ञानिक नाम भी दिया गया है, शिवम जायसवाल। तो शिवम, आपको ये नाम क्यों दिया है, सबसे पहले तो हमें ये बताइए। मेरा नाम ये एचटी न्यूज़ पहले उन्होंने मेरा नाम ये दिया था, छोटा अब्दुल कलाम। छोटा अब्दुल कलाम। और मैं आपको बता दूं कि जो इनको ये नाम है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने डीवीडी की मोटर और वेस्ट मटेरियल से पेपर कटर मशीन बनाई है, वाटर पंप बनाया है और कूलर बनाया है। तो इसलिए इनको ये छोटा वैज्ञानिक नाम दिया गया है। और इस इनोवेशन के कारण इनको कई सारे सम्मान भी दिए गए हैं। ध्रुव स्टार अवार्ड से भी शिवम को नवाजा गया है और इसी के साथ साथ बाल रत्न भी शिवम को दिया गया है। तो शिवम, आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं क्लास 8th में पढ़ता हूं। 8th में पढ़ते हैं। तो ये जो आइडिया है कुछ इनोवेट करने का, कुछ वेस्ट मटीरियल से सामान बनाने का, ये कहाँ से आया? ये मेरे फ्रेंड्स बना रहे थे तो उनसे ही थोड़ा बहुत लेके मैंने बनाया। मतलब आपने उनको देखा बना के तो आपको लगा कि बनाना चाहिए। बना सकते। तो इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या क्या करना आपको पसंद है? इसके अलावा मुझे कभी कदार बैठ के बना ये सब थोड़ा बहुत बना सकता हूँ, और क्रिकेट खेलने का भी शौक रखते हैं। तो पढ़ाई में कैसे हैं? पढ़ाई में मन लगता है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद? मुझे सबसे ज्यादा साइंस पसंद है। साइंस पसंद है, मतलब कि साइंस और टेक्नोलॉजी का मिश्रण। तो क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? फ्यूचर में मैकेनिकल इंजीनियर बनना। मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मेहनत आपकी ऐसी रही तो जरूर आप जो चाहते हैं वो बन के दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप हमें जो आपने कूलर बनाया है छोटा सा, ये चला के दिखाइए, और इसमें क्या क्या सामान का यूज हुआ है ये भी हमें जरूर बताइए। क्या क्या चीजें इसमें लगी हैं जो आपने बनाया है ये? इसमें मैंने एक फैन लगाया है और वेस्ट मटेरियल से एक डिब्बा है प्लास्टिक का। और मोटर और बैटरी से चलता है। और ये जो साइड में आपने लगा रखे हैं, जैसे कूलर में जो खिड़कियां होती हैं, जो घास होती है, अच्छा, तो उसकी जगह आपने फोम का इस्तेमाल किया है। तो फोम का क्यों इस्तेमाल किया है? कुछ फोम का वो पानी आने से कुछ उसका, अच्छा, जैसे कि खिड़कियों में पानी देते हैं तो फोम को गीला करके लगाया। अच्छा, चलिए फिर आप चला के दिखाइए इसको। अच्छा, मैं देखूं इसमें हवा आ रही है? Yes. हवा दे रहा है कूलर की नहीं दे रहा है? हाँ, मॉडल तो बहुत अच्छा है, हवा भी दे रहा है ये कूलर। और इसके साथ अगर हम बात करें कि फ्यूचर में, या फिर अगर अभी कुछ अंडर प्रोसेस है आपका, कुछ सामान क्या आप बना रहे हैं? मैं और उससे बड़े भी बना सकता हूँ। अभी मैंने कूलर बनाना शुरू करा है, टीन का। अच्छा, टीन का। तो उसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? उसमें भी जो तेल के पीपे होते हैं उसको मैंने काट कर और उसमें बड़ी मोटर और फैन जोड़ के बनाया है। अच्छा, मतलब उसका जो मॉडल है वो ऐसे ही रहेगा, बस प्लास्टिक के डिब्बे की जगह आपने टीन के डिब्बों का इस्तेमाल किया है। और जो फैन है ये कहाँ से, किस चीज़ का यूज़ किया है फैन आपने? फैन का तो मैंने यूज़ हवा के लिए किया है और उसमें वाटर का वो करना है मुझे। नहीं, जैसे ये फैन जो आपने इसमें लगाया है ये कहाँ से लेकर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल आपने यूज किया है, तो ये फैन कहाँ से मिला है, किस सामान से निकला ये है? फैन तो मैं लेके आता हूँ बाजार। अच्छा, बाजार से लेके आते हैं। तो जो बड़ा वाला कूलर बना रहे हैं उसमें भी टीन का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो बैटरी है ये भी ये बाजार से खरीदी हुई है? ठीक है।
तो ये देखिए, शिवम ने जो पेपर कटर मशीन बनाई है वो वाकई यूजफुल है, क्योंकि इससे जो इन्होंने इतना पेपर काटा है। और शिवम, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो बताइए हमें कि ये जिससे कट रहा था ये क्या क्या चीज है? ये तो ब्लेड है, वही ढक्कन बॉटल का। अच्छा, यही आप बोल रहे थे कि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का होता है उससे आपने काटा है? अच्छा, बहुत ही अच्छा। और ये सारी चीज़ देख के तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, वो भी एक बात सीख सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है वो कभी वेस्ट नहीं होता। उससे देखिए ऐसी चीज़ें बन सकती हैं, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आप भी बना सकते हैं। बस उसमें एक चीज़ ये होती है कि आपकी सोच कहाँ तक जा सकती है, आपका टैलेंट कितना है कि आप उस वेस्ट मटेरियल को कहाँ तक का यूज़ कर सकते हैं। तो शिवम, इसी के जो ये दोनों चीज़ें हैं, इसके साथ आप, हमने सुना था कि आपने वाटर पंप भी बनाया है, तो वो किस तरीके से, उसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया है? वाटर पंप में मैंने वेस्ट मटेरियल का यूज़ करा है, बॉटल, प्लास्टिक बॉटल और उसकी मोटर, और जो बड़े 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 ढक्कन होते हैं उससे किस चीज के ढक्कन, बॉटल्स के? बॉटल्स के। अच्छा, तो उसको कैसे बनाया है, क्या काम करता है वो? वो भी वाटर बॉटल के अंदर वाटर रहेगा और वो पाइप से वाटर खींचता है। अच्छा, मतलब कि बॉटल में आप पानी भरते हैं, फिर उसको जो ढक्कन है उससे कनेक्ट करते हो किसी भी तरीके से? बैटरी से वो चलता है। अच्छा, वो भी बैटरी से चलता है। और इसके अलावा और क्या अभी आप बनाने का सोच रहे हैं या फिर? इसके अलावा तो मैंने एक बड़ा कूलर ही बनाने की सोचा है, और अच्छा, वाटर पंप भी बड़ा। वाटर पंप भी। तो इसके साथ साथ पढ़ाई तो नहीं इफेक्ट होती है आपकी, कि इसमें अगर ज़्यादा दिमाग लग रहा है तो पढ़ाई में इफेक्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है? नहीं नहीं पढ़ाई में ऐसा नहीं। तो ये काम, ये जो इनोवेशन है आपका, ये आप किस टाइम पे करते हैं, छुट्टियों के टाइम पे या फिर शाम का कुछ ऐसा फिक्स टाइम है कि नहीं, पढ़ाई के बाद? के टाइम पे। अच्छा, छुट्टियों के टाइम पे ये सारा काम होता है। तो देखा आपने कि शिवम ने कितनी अच्छी तरीके से वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया है। और अभी हम कई टाइम से आपको ये भी बोलते आ रहे हैं कि प्लास्टिक का यूज़ मत करिए, पेड़ों को बचाइए, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कहीं भी कूड़ा आप पड़ा हुआ देखते हैं तो अपनी तरफ से एक कोशिश करिए कि उस कूड़े को उठाकर डस्टबिन में फेंक दीजिए। अगर आप एक छोटी शुरुआत करेंगे तो वो एक बड़ा चेंज ला सकती है। तो इन्होंने एक शुरुआत की है वेस्ट मटेरियल को कुछ इनोवेट करके, कुछ अच्छी चीज़ बनाने के लिए। और श्योर कि जो अभी ये इतनी छोटी एज में इन्होंने ये मॉडल बनाया है, तो ज़रूर ये बड़े होके कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को तो फ़ायदा होगा ही, हमारे देश को भी फ़ायदा होगा। और यही वो बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य हैं। तो अगर ये बच्चे इतने टैलेंटेड हैं और आप बच्चे इतने टैलेंटेड जो हमें देख रहे हैं, तो हमें ज़रूर फ़ख्र होना चाहिए हमारे इंडिया पर, हमारे भारत पर और आप सब पर भी। तो इसी के साथ साथ हमने अभी बताया, जैसे कि हर हफ्ते हम आपको कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ प्यारे प्यारे बच्चे लेकर आते हैं जो आपको नए नए टैलेंट दिखाते हैं। तो अगर आपने पिछले कुछ प्रोग्राम मिस किए हैं तो आज हम आपको पिछले प्रोग्राम्स की झलकियां दिखाएंगे। ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हूं, ऐसे तेरे बगैर जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। तुझसे रहे दूर किस तरह, तू जिंदगी है तुझसे रहे दूर किस तरह, मर मर के जी रहे हैं तेरे गम इस तरह, तेरे गम इस तरह, कांधों पे अपनी लाश लिए जा रहे हम, कांधों पे अपनी लाश लिए जा रहे हम। जैसे कोई गुनाह किए
जा रहे हम ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे जिसे बिछड़ के हम कहते हैं लोग जिंदा है तुझसे बिछड़ के हम लेकिन तेरी जुदाई में बिछड़े हुए सनम बिछड़े हुए सनम जैसे कोई लिए जा रहे हैं हम इल्जाम जैसे कोई लिए जा रहे हैं हम जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम ऐसे रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहाँ दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की आगरी में ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें तो आने लगा जिंदगी का मजा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा सितारों की महफिल करके इशारा कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा मोहब्बत जवां हो खुला आसमां हो करे कोई जिल्ला रज़ो और क्या ये रातें ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा कसम मैं तुम्हें तुम अगर मुझे से रूठे रहे सांस जब तक ये बंधन न हो दे तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है सनम में तुम्हारी रहूंगी सदा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा हाँ दो दिलों ने ये मिकल कभी हम न होंगे जुदा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे रिलिया बैरन बेबी टेक इट स्लो सो वी कैन लास्ट लॉन्ग टू तुम्हारे सिंधी मानी जो सो ये मेटल मैं वो यसु कर ली सर मैं मु प्लान ऐसे लगे नो मार सिंधी गुना पूरो ओ ये या यामी ताकु से नो मज़ल लो रोल मार दो दो मिजन तेरी सारी एंड दुमार ऐसे लगे नो मार सिंधी गुंगा पूरो सावनी सलोनी या दायमन मोनी तेरी जैसी बुटी किसी की नहीं होनी ठंड की बोतल में तेरा अपना रे तुझे गट गट मैं पी लूं कोका कोला तू करांदे नाल नाल वैके अख नारे अख नू मिला के दिल दिया गला अलग अलग सादों में आती ऑरेंज मैंगो वो खाती दूध में डालो जब तुमकी बन जाती है आइसक्रीम तुमको मत हमको मत हम सबको बांटी आइसक्रीम बहन जी आपके बच्चा नहीं देख रहा छतरी कहाँ है चिंटू पिंकी देखो अंकल जी आए अंकल जी नमस्ते 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 खाओ पूरी खस्ते और जाओ अपने रास्ते भाई साहब बता जाओ अपने रास्ते बोला क्या है जाओ अपने रास्ते बोला क्या नहीं नहीं अच्छा पेपर में निकला होगा अभी तू लॉन्ग वे में लची तेरे पीछे अगवाची तेरे इश्क़ के ने मारी
कचरी गवारी तेरे शके ने मारी गुड़ कचरी गवार हे मैं चंपेरे पहाड़ों वाली शाम वे मंडिया संडली संडली नैना विच तेरा नाम वे मंडिया तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना Thank you.
आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखकर बताइएगा दूरदर्शन लखनऊ व मेल के पते पर। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए DD UP। नमस्कार।